मेरी कविता का शीर्षक है सूखा पेड़। तुमने तो कुल्हाड़ी नहीं नहीं स्वचालित आरी लेकर एक पल में काट दिया उस पेड़ को और धाराशाही कर दिए वो एहसास अनुभव भावनाएं जो पिछले कई दशकों में कई पीढ़ियों ने इस पेड़ से पाले थे। क्या कहा तुमने कि क्या हुआ, एक सूखा पेड़ ही तो था, गिर जाता नुकसान करता, आखिर सूखा पेड़ ही तो था। नितांत मूर्ख हो तुम, शून्य संवेदना युक्त, पास आओ देखो इस विशाल पेड़ को जिसे तुमने टुकड़ों में क्षत विक्षत कर असहाय कर दिया है। देखो इसकी जड़ से दौड़ती इन असंख्य चींटियों को, जैसे भूकंप के समय तुम अपने घर छोड़कर बाहर भागते हो। कहोगे विवशता है, हां जब घर गिरता है तो बचने हेतु भागना विवशता ही तो है। ऐसे ही ये चींटियां भाग रही हैं अपने खाद्यान्न और अजन्मे बच्चों को लेकर एक सुरक्षित स्थान की ओर। और पास आओ देखो देखो इस पेड़ के सूखे तने पर ये छोटे छोटे सुराख, कितने सटीक कितने साफ, क्या कारीगरी है। हां कठफोड़वे ने अपनी कला दिखाई है। और ये ऊपर बड़े तने के जोड़ पर जो कोटर तुम्हें दिख रहे हैं ना, इनके आगे लाक्षाग्रह की सुरंग की कुशल कारीगरी भी छोटी पड़ जाए। मैंने देखा है तोता मैना के बच्चों को इन कोटरों में लुका छिपी खेलते हुए, और वो सबसे ऊपर टहनी पर सूखा हुआ मोम देख रहे हो, अरे यह वही है जिसके छत्ते की मक्खियों को तुमने धुआं कर उड़ा दिया था और फिर शहद बांट लिया था। हाँ आज भी खांसी होने पर मैं भी अपने बच्चों को वो शहद देता हूं, तुम भी देते होगे और कृतज्ञ अन्य सभी भी। तुमने ये सोचा हर सुबह बालकनी और खिड़की से इस सूखे पेड़ और इस पर आने वाले तमाम पक्षियों, इसके सुराखों में खेलने वाले भौरों को देखने के आदि हमारे बच्चे क्या महसूस कर रहे होंगे। मेरा मुन्ना खिड़की में खड़ा पेड़ को कटते देख रो रहा था, मुझसे एक ही प्रश्न कर रहा था कि यह सूखा पेड़ किसी को क्या तकलीफ दे रहा था। मैंने कहा कोई नहीं, पेड़ भला कब किसी को तकलीफ देते हैं, ये तो कटकर भी किसी की जेब गरम करेगा, इसकी छोटी छोटी खपाचे किसी का चूल्हा जलाकर बच्चों की रोटी का साधन बनेगी। मेरे लिए मुश्किल था उसको समझाना और तुम्हें भी कि इस सूखे पर कई सपनों के आश्रयदाता को मत काटो, मत काटो, हां मत काटो। धन्यवाद।